नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग इलेक्ट्रिशियन का, दोस्तों ये जो फर्स्ट ईयर का पेपर है जो कि 17 अगस्त 2022 को ये एग्जाम हुआ था, तो उसी का ये PDF है। तो अगर आप लोग इस बार CBT का एग्जाम देने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो दोस्तों सेट नंबर है, ये सेट नंबर तीसरा है, तो 200 हमने पहले से कंप्लीट कराए हुए हैं। अगर आप लोग उससे नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके आप अपना देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों ट्रेड थ्योरी यानी कि दोस्तों यहाँ पर आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का 6 क्वेश्चन, और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का 6 क्वेश्चन, और यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसमें देखिए किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू होता है दोस्तों आप लोगों का ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर का। ठीक, अब यहाँ पर देखिए पहला है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलक्टेंस, रिलक्टेंस की इकाई क्या होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों जो रिलक्टेंस की इकाई होती है वह होता है एम्पियर टर्न्स पर वेबर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डैम्पिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड इन ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक होता है। तो देखिए दोस्तों जो चल कुंडली उपकरण होता है उसमें जो डैम्पिंग बल होता है ये आवश्यक इसलिए होता है क्योंकि अरेस्ट द नीडल विदाउट ऑसिलेशन, यानी कि दोलनों के बीच सुई को नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर दूसरे के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, दोलनों के बीच सुई को नियंत्रित करता है चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन, जो चेतावनी संकेतक होते हैं उसकी जो पृष्ठभूमि होती है वह किस रंग का होता है। तो यह होता है दोस्तों आपका येल्लो कलर का, यानी कि पीला। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फार्मूला फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि यहाँ पर विद्युत मात्रा का सूत्र क्या होता है। तो आवेश, यानी विद्युत मात्रा यानी कि आवेश के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, जो कि क्यू से हम लोग इंगित भी करते हैं। तो क्यू इक्वल टू होता है यहाँ पर देखिए I इंटू टी होता है, तो यहाँ पर होता है हो जाएगा आपका करंट इंटू टाइम, धारा इंटू समय हो जाएगा क्वांटिटी, यहाँ पर हो जाएगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत आवेश का मात्रक, यही हो जाएगा करंट इंटू टाइम, यहाँ पर फार्मूला। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रजिस्टर, ये जो आपको रजिस्टर या प्रतिरोध दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो प्रतिरोध है दोस्तों यहाँ पर कहलाता है वायर बाउंड रजिस्टर, तार बंधे हुए प्रतिरोध, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट इन टिम्बर काज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेंथ, लकड़ी में किस दोष के कारण उसकी शक्ति कम हो जाती है। तो देखिए लकड़ी में जिस दोष के कारण उसकी शक्ति कम हो जाती है वह रहता है इरेगुलरिटी, यानी कि अनियमितता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, विच सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क, सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए दोस्तों जो यूज किया जाता है वह रहता है आपका सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, ये जो टूल आपको दिख रहा है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो टूल आपको दिख रहा है ये आपको जेनी कैलिपर कहलाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जेनी कैलिपर। नौवां है, विच टाइप ऑफ एसेसरीज फ्यूज कम्स अंडर, किस प्रकार के एसेसरीज फ्यूज के अंतर्गत आते हैं। देखिए जिस प्रकार के एसेसरीज फ्यूज के अंतर्गत आते हैं वो रहता है आपका सेफ्टी एसेसरीज, सुरक्षा के सामान फ्यूज के अंतर्गत आते हैं। दसवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड, ये जो सोल्डरिंग मेथड है इसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो सोल्डरिंग मेथड है ये आपको कहलाता है टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा, टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन ए सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन विथ स्लो स्पीड, एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है। तो यह रहता है दोस्तों आपका डिफेक्टिव कैपेसिटर यानी कि दोषपूर्ण संधारित्र। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द वेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए बैटरी, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को क्यों खुला रखा जाता है। तो देखिए बैटरी के आवेशन के दौरान विंड प्लग को जो खुला रखा जाता है वो रखा जाता है टू स्केप द गैस फ्रीली, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने के हेतु। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल, ये जो आपको फाइल दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो फाइल है यह आपका कहलाता है रस्प कट फाइल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा, रस्प कट फाइल। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच इज ए पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस, अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो देखिए जो पैरामैग्नेटिक पदार्थ जो होता है वह है आपका
एयर यानी कि वायु, अनुचुंबकीय पदार्थ है वायु। 15 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सेसरीज इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में दोस्तों इस एक्सेसरीज का नाम आपको बताना है। ये दोस्तों आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री यहाँ पर हो जाएगा। अगर देखते होंगे कहीं कहीं हीटर में आप लोग देखे होंगे इसको लगा हुआ, हीटर में ज़्यादा सीधे प्रवेश के साथ लाभ संयोजक हो जाता। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम। ये जो डायग्राम दिख रहा है इसका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये कहलाता है आपका इंस्टॉलेशन प्लेन यानी कि स्थापना योजना। अब देखिए यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मेनी टू वे स्विचेज आर रिक्वायर्ड इन गो डाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल 4 लैंप। 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने दो तरह के स्विच आवश्यक हैं। तो देखिए 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में दोस्तों जो दो तरह के स्विच आवश्यक रहते हैं वो रहते हैं आपके 3। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लूमिनस फ्लक्स, चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है। तो देखिए चमकदार प्रवाह की जो इकाई है वह है आपका ल्यूमेन। 19 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी सिंबल। ये जो एसेसरी सिंबल दिखाया गया इसका नाम आपको बताना है। ये आपका कहलाता है दोस्तों मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल, तो बहुस्थिति एकल ध्रुव स्विच करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच इज एन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, एक एकीकृत उपकरण कौन सा है। तो देखिए दोस्तों जो एक एकीकृत उपकरण है वह है दोस्तों आपका एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर एक इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द लैम्प। ये जो आपको लैम्प दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों ये जो लैम्प है, ये लैम्प है दोस्तों आपका MA टाइप HPMV लैम्प। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। ये जो सोल्डरिंग मेथड विधि दिखाई गई है इसका नाम आपको बताना है। यह दोस्तों आपका सोल्डरिंग गन। तो सोल्डरिंग गन यहाँ पर आपका नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू अर्थ रेजिस्टेंस कैन बी रिड्यूस्ड, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। तो देखिए पृथ्वी के प्रतिरोध को कम करने के लिए प्रोवाइडिंग डबल अर्थिंग, डबल अर्थिंग प्रदान करके हम लोग पृथ्वी के प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ट्रांसफार्मर इज यूज टू मेजर हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशन, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाएगा। तो देखिए उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए हम लोग पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग करेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन, विच टेस्ट लोकेट द फॉल्ट इन यूजी केबल, तो कौन सा परीक्षण यूजी केबल में दोषों का पता लगाता है। देखिए दोस्तों जो परीक्षण अंडरग्राउंड केबल में दोषों का पता लगाता है वो रहता है आपका लूप टेस्ट। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी, कौन सा उपकरण बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जाँच करता है। यह रहता है दोस्तों हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, उच्च दर निरावेशन टेस्टर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच एसी सिंगल फेज मोटर इज यूज्ड इन फूड मिक्सचर, फूड मिक्सचर में किस एसी सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो फूड मिक्सचर रहता है उसमें जो सिंगल फेज मोटर रहता है वो रहता है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन, सेफ्टी साइन का नाम बताना है। ये तो यह है दोस्तों आपका इन्फॉर्मेशन साइन यानी कि सूचनात्मक चिन्ह। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल में कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापने के उपकरणों में कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है। क्या रहता है दोस्तों आपका फॉस्फर ब्रांच। तो जो देखिए जो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें जो कंट्रोल स्प्रिंग रहता है दोस्तों वो हमारा फास्फर ब्रांच का बनाया जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ द मोर्टाइज चीजर, मोर्टाइज छेनी का उपयोग क्या होता है। देखिए जो मोर्टाइज चीजर रहता है इसका प्रयोग हम लोग लकड़ी में आयताकार छेद बनाने के लिए करते हैं यानी कि मेकिंग रेक्टेंगुलर होल इन वुड। मोर्टाइज छेनी का प्रयोग लकड़ी में आयताकार छेद करने के लिए करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल, XLPE केबल का फुल फॉर्म क्या होता है। ये रहता है आपका क्रॉस लिंक पॉलीएथिलीन। अब है 32 नंबर का, विच पार्ट मार्क एज एक्स इन द अंडरग्राउंड यूजी केबल, ये अंडरग्राउंड जो यूजी केबल दिखाया गया है इसका एक्स पार्ट का नाम बताना है। तो ये एक्स पार्ट दोस्तों आपका बेडिंग कहलाता है, ठीक। और
ये हो गया 33 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट, इस ज्वाइंट का नाम बताना है। देखिए दोस्तों ये जो ज्वाइंट है ये आपका कहलाता है मैरिड ज्वाइंट। 34 नंबर क्वेश्चन है वेयर सिस्टम अर्थिंग इज डन, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है, तो जनरेटिंग स्टेशन पर दोस्तों सिस्टम अर्थिंग किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम बताना है। तो यह कहलाता है आपका दोस्तों टैक हैमर, यानी कि टैक्स हथौड़ा। 36 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटोमोटिव फोर्स, चुंबकीय वाहक बल की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर टर्न होता है चुंबकीय वाहक बल की इकाई। 37 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टूल यूज्ड टू बेंड कंड्यूट्स, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण को उपयोग किया जाता है, तो देखिए कंड्यूट को मोड़ने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है वह रहता है आपका हिक्की। 38 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग, क्रिम्पिंग से क्या फायदा होता है, क्रिम्पिंग से फायदा और रहता है कि अवॉइड लूज कनेक्शन, ढीले कनेक्शन को टाला जा सकता है क्रिम्पिंग से। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों का जो ट्रेड थ्योरी का 38 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर अब आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से ये पहला जो क्वेश्चन है वो कहा गया कि विच इज द एग्जाम्पल फॉर फर्स्ट ऑर्डर लीवर, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है, तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए जो उदाहरण ये है ए पेयर ऑफ सीजर्स, सीजर्स का एक पेयर। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज अ टर्म एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंड इन ए बॉडी, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, तो देखिए वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को दोस्तों द्रव्यमान यानी कि मास कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। चौथा क्वेश्चन है व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 625 mm², एक वायर की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर 625 mm² है तो इसका वर्गमूल ले लीजिए तो आपका 25 mm इसका भुजा आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट, तो फंडामेंटल यूनिट कौन से हैं, तो लेंथ मास एंड टाइम, ये आपके फंडामेंटल यूनिट है। छठा क्वेश्चन है साइन थीटा किसके बराबर होता है, व्हाट इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन थीटा होता है आपका अपोजिट साइड बटे हाइपोटेनस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 6 क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द सेट स्क्वायर, ये जो सेट स्क्वायर है इसका नाम आपको बताना है, तो यह है 45 डिग्री सेट स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल, ये किसका है, तो ये दोस्तों लकड़ी का सिंबल है, ठीक, तो यहाँ पर वुड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तीसरा यहाँ पर है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपको चांदा दिख रहा होगा, तो ये है आपका प्रोटेक्टर यानी कि चांदा। चौथा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल, इस टूल का नाम आपको बताना है, तो ये जो टूल है दोस्तों यहाँ पर कटिंग प्लायर यानी कि काटने वाला सरौता कहलाता है। पांचवा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, इस टूल का नाम बताना है, तो ये जो टूल है दोस्तों ये आपका कहलाता है ट्राई स्क्वायर, बढ़ाई की गुनिया। छठा क्वेश्चन आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म, इस प्रिज्म का नाम बताना है, तो यह आपका स्क्वायर प्रिज्म, चार कोना है तो स्क्वायर, छह कोना रहता है हेक्सागोन। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए ये है दोस्तों कि द मोर प्रॉब्लम यू सॉल्व द बेटर यू विल गेट ए प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो आप जितने अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द सिंबल सिनोनिम्स ऑफ ए वर्ड वी टाइप इन एमएस वर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं, तो वो रहता है आपका थिसारस। तीसरा क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव, इंसेंटिव का दोस्तों तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है, तो वो है दोस्तों हाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की उच्च लागत। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक विथ कॉम्परेटिव एडजेक्टिव योर पेंसिल इज, यहाँ पर क्या भराएगा शार्पर देन माइन, ठीक, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, आपकी पेंसिल मेरे पेंसिल से ज्यादा तीखी है या शार्प या नुकीला है। पांचवा क्वेश्चन है द रिप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्ड मटेरियल इंटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड, नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को क्या कहा जाता है,
जिसे कहा जाता है रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, सामग्री का पुनः चक्रण कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है? तो मैसेज अम्बेजियस, संदेश का अस्पष्ट होना ही पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। सातवां क्वेश्चन है, पेड फॉर्म ऑफ आइडियाज गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड, विचारों वस्तुओं और सेवाओं के पेड फॉर्म को क्या कहा जाते हैं? तो इसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या भरा है, कैन हेल्प मी लर्निंग इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने में मदद करता है कौन? तो ये रहता है दोस्तों डेडिकेशन यानी कि निष्ठा। नवा क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू प्रॉबिंग यू विल बी इन ए बेटर पोजिशन टू मेक, जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप किसको बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे? यह रहेगा प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन यानी कि उचित उत्पाद सुझाव। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज द फुल फॉर्म ऑफ SWOT, SWOT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये रहता है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट। 11 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज अ कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन क्या है? तो ये है दोस्तों आवर फैमिलियर लाइफ स्टाइल एंड बिहेवियर इज आवर कंफर्ट जोन, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ओरिएंटेशन द टेस्ट इज प्रिंटेड विड्थ वाइज, किस ओरिएंटेशन या अभिविन्यास में टेस्ट पाठ चौड़ाई वार प्रिंट या मुद्रित होता है? ये रहता है आपका लैंडस्केप मोड। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज ए इन SMART स्टैंड फॉर, SMART में एक अर्थ क्या होता है? तो रहता है अचीवेबल। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए आउटकम ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है वह बोरडम यानी कि उदासी। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिज इज एन इसेंशियल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, समस्या समाधान प्रक्रिया में कौन सा एक आवश्यक कदम है? तो यह रहता है टूगेदर एंड एनालाइज डाटा, डेटा इकट्ठा और विश्लेषण करने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन कि दिस मेंशन टू मूव आउट ऑफ वंस प्लेस टू अनदर फार बेटर जॉब इज कॉल्ड, बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इस इरादे को क्या कहा जाता है? तो इसे माइग्रेशन या प्रवास कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, द फोर स्टेज ऑफ गेटिंग कस्टमर्स आर, ग्राहक प्राप्त करने के 4 चरण कौन से हैं? तो यहाँ पर ये जो दिया गया है, एक्विजिशन, रिटेंशन और सेटिस्फैक्शन और लॉयलिटी। 18 नंबर क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज, आंतरिक प्रेरणा क्या है? यह है दोस्तों लॉन्ग लास्टिंग, ज़्यादा देर तक टिकने वाले। 19 नंबर क्वेश्चन है, इन विच ओरिएंटेशन द टेस्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज, किस ओरिएंटेशन अभिविन्यास में टेस्ट पाठ लंबाई वार प्रिंट या मुद्रित होती है? तो यह रहता है आपका पोर्ट्रेट मोड। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कौन सा विस्मयादि बोधक वाक्य है? तो जिसमें ये वाला साइन दिख जाए लास्ट में वही हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य रहता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस इट इज। 21 नंबर क्वेश्चन है, MSME का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह दोस्तों माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए बेसिक टूल यूज्ड इन क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बुनियादी उपकरण नहीं है? ये दोस्तों टार्क रिंच। 23 नंबर क्वेश्चन है, सर्कुलम वेट इज आल्सो नोन एज, तो सर्कुलम वेट को और किस रूप में जाना जाता है? तो इसे हम लोग जानते हैं रिज्यूम के नाम से। विच प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट बर्न्स एंड हार्मफुल लिक्विड, कौन हाथों को कटने जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाता है? तो ये रहता है दस्ताना। आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा गॉगल और कान के पलक, तो कान के लिए हेलमेट करेगा, सर के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट फ्यूचर टेंस ऑफ वर्ब, यहाँ पर वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो विल गो भरा जाएगा यहाँ पर। तो ये दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होता है। जिसको PDF चाहिए दोस्तों तो आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए objectivecenter.in, ये जो टेलीग्राम सॉरी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप गूगल पर सर्च करेंगे क्रोम में जाके, तो यहाँ पर एक IT एग्जाम का सेक्शन दिखेगा, यहाँ से जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे जाएंगे होम पेज के, तो यहाँ पर देखिए एक सेक्शन दिखेगा
आईटीआई एग्जाम का, तो यहाँ से इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ था आईटीआई फर्स्ट ईयर सीबीटी पेपर 2022, यहाँ से जाके आप अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर एक टेलीग्राम भी बनाया गया है जो कि ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप नाम से है, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप नाम से सर्च करना है और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, ठीक। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग इस ग्रुप में पूछ सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं इस ग्रुप में जाके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।